इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों द्वारा आइसोलेशन सेंटर नहीं जाने पर अधिकारियों ने उनके घर की बिजली काट दी। बिजली काटने की बात को लेकर अब प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट और देपालपुर कांग्रेस विधायक विशाल पटेल आमने सामने आ गए हैं, जिसमें विशाल पटेल ने मंत्री सिलावट को चैलेंज देते हुए कहा कि यदि ग्रामीणों की बिजली काटने का आरोप झूठा है तो वो इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो मंत्री जी को इस्तीफा देना होगा। इंदौर जिले के पिपलोदा गांव के रहवासी मेहरबान सिंह सोलंकी को कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जिसको लेकर आइसोलेशन में नहीं जाने की बात पर अधिकारियों द्वारा उनके घर की बिजली काटी गई, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। गुरुवार को ग्रामीण आपदा प्रबंधन बैठक में भी ग्राम से कुछ लोग आए थे और मंत्री कलेक्टर के सामने अपनी बात रखी। वहीं मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मामला संज्ञान में लाने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की बात भी की। इस पूरे मामले पर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कांग्रेस के विधायक विशाल पटेल पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। एक बात सुनो, ये समय सेवा करने का है, ये टीका टिप्पणी करने का नहीं है। मैं विशाल जी से अनुरोध करता हूँ कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में था उसको जब संक्रमित हो गया है तो विशाल जी की भी जिम्मेदारी और मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम उसको ठीक करें, उस परिवार की रक्षा करें और उसको कोविड केयर सेंटर में ले आए, उसको स्वस्थ होकर हमारे गांव में हमारे गांव को बचाए। सवाल ये है कि क्या बिजली काटी जा रही है? ये बिल्कुल बिल्कुल निराधार बेबुनियाद बात है। एक भी ऐसा कोई प्रकरण आपके संज्ञान में हो तो मैं उस पर उस अधिकारी पर तुरंत कार्रवाई करूँ, मैं इसकी जानकारी ले लूँगा, संज्ञान में ला दिए तो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये अभी मानवता का है, सेवा का है, कर्म का है, आपदा से निपटने का है, इस संकट की जो कोरोना की चेन है। इस पूरे मामले पर देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने कहा कि मेरे पास पूरे प्रमाण है, अगर इन ग्रामीणों के घर की बिजली नहीं काटी गई तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा और अगर मेरी बात सही निकली तो मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। मेहरबान सिंह सोलंकी ग्राम पिपलोदा के रहने वाले, उनके घर की बिजली काटी गई उसके बावजूद भी वो नहीं गए, जब तक गाँव वालों ने समझाइश नहीं की। गाँव वालों ने समझाया, जब जाके उन्होंने खुद ने आइसोलेशन सेंटर में जाने का मन बनाया। कृपा राम जी बढ़वाया जो चांदेर गांव के हैं उनके घर की बिजली काटी गई। आप अगर पूरे मीडिया को मैं निमंत्रण देता हूँ, ऐसी अनेक घटनाएं रोज कहीं ना कहीं देपालपुर में होती है, कल भी एक घटना हुई तहसीलदार की घटना। यही अगर मैंने अभी माइक के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर गाँव में आज भी एक दूसरे से प्रेम से जुड़े हुए हैं, आप अगर प्रेम से बात करेंगे, प्रेम से हर एक व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप वहाँ जाकर पहलवानी करेंगे, उनको जूते मारेंगे, गाली बकेंगे तो गांव वाले किसी को माफ करने वाले नहीं है। कल का उदाहरण आप लोगों के सामने है। क्या लगता है आप भी अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि निश्चित तौर पर जहाँ भी जैसी भी जरूरत पड़ती है, प्रतिनिधि मंडल मैंने भी नियुक्त कर दिए हैं, मैं खुद भी समय समय पर जाता रहता हूँ विधानसभा में, जहाँ जैसी जरूरत रहती है, जिसको समझाने का प्रयास करना हो उसको समझाने का प्रयास भी करते हैं, जिसको दवाई की जरूरत हो वो भी देते हैं, जिसको इंजेक्शन की जरूरत होती है वो भी अवेल कराते हैं। बिजली काटने वाले मामले में तो तुलसी सिलावट जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं आप, अभी मैं प्रमाण देता हूँ, अगर या तो उन्होंने नहीं काटी हो तो मैं इस्तीफा देता हूँ, तो मंत्री जी इस्तीफा देते। उनका ऐसा कहना है कोई मामला सामने आता तो अधिकारी पर कार्रवाई की। मैंने तो फिर तो प्रमाण दे रहा हूँ, नाम सहित प्रमाण दे रहा हूँ जिसकी बिजली काटी है, नाम सहित दे रहा हूँ मैं तो प्रमाण, माननीय मंत्री जी से आप खुद पूछ सकते हैं, मैं तो नाम सहित दे रहा हूँ जिस गांव के हैं दोनों गांव जिसकी घाटी है। हालांकि दोनों ही नेताओं ने आपदा प्रबंधन की बैठक में इस संकट की घड़ी में राजनीति नहीं करने की बात कही, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर माहौल को गरमा दिया। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।